नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने ब्रेड और सूजी की बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ 5 मिनट में बनकर ये नाश्ता तैयार हो जाता है और आपको बहुत ही पसंद आएगा, यकीन मानिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने के बाद लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी के साथ साथ इसमें जाएगा 1/2 कटोरी, जितना आपने सूजी लिया है उतनी ही उससे 1/2 कटोरी दही कीजिएगा। आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें छाछ या फिर नींबू का रस भी ले सकते हैं, लेकिन दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमें दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सूजी और दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से एक बार आप ब्रेड का नाश्ता बनाइए दोस्तों, आप हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएंगे। तो देखिए, हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों में लिया है 1 प्याज बहुत बारीक बारीक काट कर लिया है, 1 टमाटर है उसको भी बारीक चॉप कर लिया है, 1 शिमला मिर्च है उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। इसमें सब्जियां अपनी मनपसंद डाल सकते हैं, इसमें आप पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जी अवेलेबल है उसको डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च छोटी सी ऐड की है और ढेर सारी हरी धनिया काट कर डाल दी है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बहुत ही थोड़ी सी मैंने ऐड की है। तो इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जिससे अभी इसमें मैंने बिल्कुल भी नमक वगैरह ऐड नहीं किया है। सब्जियों को पहले अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं अपने बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे लगभग 1/2 से 1 चम्मच के आसपास मैं नमक डाल देती हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और मिर्च की मैंने जो हरी मिर्च बहुत ही कम क्वांटिटी में डाली है, तो थोड़ा सा तीखापन के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के आसपास काली मिर्च का पाउडर। और आप चाहें तो इसे स्किप करके हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने हरी मिर्च बिल्कुल नाम मात्र डाली है, इसलिए मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो लगभग 2 से 3 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। इसको जो हमारा पेस्ट है बिल्कुल गाढ़ा ही होना चाहिए, इसको बिल्कुल भी आपको पतला नहीं रखना है ताकि अच्छे से ब्रेड में चिपक सके। तो देखिए, बस मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 चम्मच ही, जो खाने वाले चम्मच होता है उसी से पानी ऐड किया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसका हमें ध्यान देना है कि इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, नहीं तो हमारा नाश्ता बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। और कुछ इस तरह का हमें घोल चाहिए दोस्तों, बस हमें इसी तरह का गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि सब्जियां और दही सूजी सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब कवर करके रखते हैं 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए, ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। और आप देख सकते हैं हमारा जो सूजी है बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने पानी कम ऐड किया था, सब्जियों से भी पानी रिलीज हुआ है तो थोड़ा सा ये और भी पतला हो गया। तो इसी तरह का हमें घोल चाहिए, इससे ज़्यादा आप पतला बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो ये ब्रेड से बहने लगेगा, हमारा नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड, 4 व्हाइट ब्रेड लिए हैं, आप इसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सभी ब्रेड्स को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो आप इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी ब्रेड को हमें कुछ इस तरह से फैलाना है और उसके ऊपर केचप को स्प्रेड कर देना है। तो लगभग 1-1.5 चम्मच में केचप डाल दे रही हूँ और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फैला कर हमें प्लेन कर देंगे। अगर आप मीठा खाना नहीं पसंद करते, बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप केचप को भी स्किप कर सकते हैं, सिंपली आप दही को स्प्रेड करके बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा टेस्ट आता है, तो बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं। केचप लगा हुआ होता है तो बच्चे बहुत ही ईजीली खा लेते हैं और ढेर सारी सब्जियाँ भी उनको चली जाती हैं। तो देखिए, मैंने केचप सभी में लगा दिया था, उसके बाद जो हमने बैटर बनाया था उसको कुछ इस तरह से 1-2 चम्मच डालकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ध्यान दीजिए, इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो ये पकने में बहुत ही समय लगेगा। अच्छे से स्प्रेड करना है पतली लेयर्स में, तो सभी को पहले अच्छे से बनाकर तैयार कर लेंगे सभी ब्रेड में। यहाँ पे मैं मिश्रण को, जो बैटर को है, उसको फैला ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 ब्रेड की बना रही हूँ पहले, आप अपने मेंबर्स के हिसाब से बनाइएगा दोस्तों। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, खाने में सुपर डुपर है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने सभी ब्रेड को तैयार कर लिया है, चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तवा रखा है, तवे पे 1 छोटा चम्मच तेल डाला है। अच्छे से गर्म होने के बाद इसको जिस साइड हमने बैटर लगाया है उसी तरह इसको हमें लगाना है और कुछ इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से स्लो फ्लेम पे हमें नीचे से पहले सिकने देना है।
बनाया है। तो अगर आप जो सूजी का बैटर है वो पतला फैलाए रहेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा बनने में, और दोनों साइड से इस तरह से अलट पलट कर हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो इसमें जगह थी तो मैंने एक और डाल दिया है। इसी तरह आप सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये नाश्ता खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक नाश्ते को अलट पलट कर दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। बहुत ही देखिए, ऊपर से भी बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है, ब्रेड के साइड से भी बिल्कुल कुरकुरा सा बन चुका है। तो इसे हम निकालेंगे और इसी तरह सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपको आज की ये ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने सभी ब्रेड को जो नाश्ते को बनाकर कर लिया है तैयार। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, एक बार इसे बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा। इसे आप केचप के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ या सिर्फ ऐसे ही खाएंगे ना, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।